हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करण गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आरआरसी ने वैसे सेंट्रल रीजन में भोपाल मंडल के लिए वैकेंसी निकाली है, ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये भोपाल मंडल ने निकाली है, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती होगी। 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 28 दिसंबर 2018 को, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 जनवरी 2019 है। शाम 4 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और फीस पे करने की लास्ट डेट भी 27 जनवरी 2019 है। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी जो 10th के नंबर उनके हिसाब से और ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस है ₹170, SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरी की उनकी एप्लीकेशन ₹70 है, और उसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, जिसकी गणना 21/12/2018 के हिसाब से होगी। मिनिमम एज 15 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है शैक्षिक योग्यता, तो आपने 10वीं पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो उसका आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, जो टोटल वैकेंसी है वो 200 वैकेंसी है। फिटर के लिए जनरल में 35, OBC में 19, SC में 11, ST में 5, टोटल 70 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए जनरल में 50, OBC के लिए 27, SC के लिए 15, ST के लिए टोटल 100 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन के लिए जनरल में 10, OBC में 5, SC में 3, ST में 2, टोटल 20 वैकेंसी है। वहीं अगर बात करें कोपा COPA की, तो जनरल में 3, OBC में 1, SC में 1, टोटल 5 वैकेंसी है। सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल में 3, OBC में 1, SC में 1, टोटल 5 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से 200 वैकेंसियों का विभाजन किया गया है। दोस्तों, आवेदन के साथ अपलोड किए गए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपको उम्मीदवारों को आवेदन करते समय दस्तावेज की स्वयं स्थापित, मतलब खुद ने अटेस्टेड करना है, खुद ने स्थापित करना है, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। इसमें आपका 10th की या सम का परीक्षा की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें कि आपकी एज लिखी हुई हो, 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया, फिर समकक्ष का हो गया, और साथ साथ NCVT और SBCT द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, मतलब ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। SC ST OBC का प्रमाण पत्र भी डालना अपने, अगर कोई डिसेबल मतलब दिव्यांग भर रहे हैं तो उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे भूतपूर्व सैनिक तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 12th पास सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसने कोपा का फॉर्म भरा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट ट्रेड सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो उनके पास 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोपा के लिए। अगर इसमें सैलरी का सवाल है तो उसमें लिखा हुआ है जो स्टीफन परिश्रमिक मिलेगा वो ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम धर्म के अनुसार दिया जाएगा। जब फर्स्ट ईयर होगा उसमें जो सभी स्किल वर्कर को मिलता है उसका 70% मिलेगा आपको, और सेकेंड ईयर में 80% मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल वर्कर, और ड्यूरिंग द थर्ड ईयर और ट्रेनिंग 90% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल वर्कर नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टेफन के दिए दर निर्धारित करने के लिए राज्य जिला के अंतर्गत अप्रेंटिस एक्ट ITI संस्था के लिए प्रशिक्षण की अवधि वितरितिका की दर के निर्धारित हेतु शामिल किया जाएगा। चयन की प्रणाली, उम्मीदवारों का चयन 10वीं की प्राप्त अंकों की प्रतिशत एवं दस्तावेज स्थापित के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना के अंतर्गत ITI पास उम्मीदवारों की योग्यता सूची बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, के लिए लिखित परीक्षा एवं रिटर्न और इंटरव्यू मौखिक परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर केवल 10वीं के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके लिए किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू कुछ नहीं है, आपके 10th मार्कशीट पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बस बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।